नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। नीट 2019 का काउंसलिंग जल्द शुरू होने वाला है और यह असम के गवर्नमेंट ने स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दिया है 2019 के एकेडमिक ईयर के लिए। इस वीडियो में मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और अपडेट्स भी शेयर करूंगा कि यह जो मेरिट लिस्ट असम ने शेयर किया है उसमें अपडेट्स होगा या नहीं, और उसके साथ यह भी शेयर करूंगा कि दूसरे स्टेट अपने स्टेट कोटा के मेरिट लिस्ट कब तक शेयर करेंगे। तो असम का ऑफिशियल वेबसाइट है dme.assam.gov.in। यह ऑफिशियल वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ असम है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो है अवेलेबल हो गई है वह हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असम स्टेट मेरिट लिस्ट नीट यूजी 2019 यहाँ अवेलेबल हो गई है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यह इन्फॉर्मेशन जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है मेरिट लिस्ट, सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, टोटल मार्क्स, नीट परसेंटाइल, नीट ऑल इंडिया रैंक और स्टेट का रैंक यहाँ पर दिया गया है। अब ध्यान रखिए, यह प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट के बाद यह चेंज हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता, और जिस स्टूडेंट के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता उनका नाम फिर मेरिट लिस्ट से हटाया जाता है क्योंकि वह स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। अगर आप असम के स्टेट के हो तो आपको अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा कि आपके रैंक कितने हो सकते हैं, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किन स्टेट में और कौन से मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अब इसके अलावा जो दूसरे जो स्टेट हैं वो भी जल्द अपना स्टेट कोटा के मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर देंगे। यह जो मेरिट लिस्ट असम के स्टेट ने रिलीज़ किया है वो एनटीए की तरफ से प्रोवाइड होते हैं। जब आपने नीट के एप्लीकेशन भरा तब आपने एक कॉलम में यह भी भरा कि आप कौन से स्टेट से डोमिसाइल हो, और उसी के हिसाब से एनटीए जो है हर स्टेट को सप्लाई करते हैं नीट के मेरिट लिस्ट, और फिर स्टेट जो है लिस्ट पब्लिश कर पाते हैं। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होती है डोमिसाइल और बाकी सब सर्टिफिकेट चेक करने के बाद। उसमें से थोड़े से स्टूडेंट जो है रिमूव हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होती। इसी तरीके से हर स्टेट जो है वह अपना मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेट कोटा के लिए हर स्टेट एक फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर देगी, और जैसे ही यह फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होता है वह भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना ना भूले। धन्यवाद।